राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान की 70 भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी। तो दोस्तों यहाँ पर 70 भर्तियाँ कौन कौन सी है और कौन कौन सी भर्तियों के लिए यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान के बेरोजगारी युवाओं को बहुत बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान के अभ्यर्थी काफ़ी समय से राजस्थान एग्जाम कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 14 अक्टूबर को अपनी 70 भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी 22 अक्टूबर 2024 से लेकर 28 जून 2024 तक की सभी भर्तियों की एग्जाम डेट और रिजल्ट की डेट जारी कर दी है। अपनी आगामी सभी परीक्षाओं के आयोजन का कार्यक्रम और रिजल्ट की संभावित डेट जारी कर दी गई है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी ऑफलाइन मोड में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की जाएगी, जबकि रिजल्ट 24 फरवरी 2025 को जारी किया जाएगा। इसी के अंदर दोस्तों बताया गया है कि कैनिस्ट अनुदेशक मैकेनिकल डीजल के लिए एग्जाम 18 नवंबर को, कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए 19 नवंबर को, रोजगार योग्यता कौशल के लिए 19 नवंबर को, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के लिए 20 नवंबर को, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 20 नवंबर को, कार्यशाला गन्ना एवं विज्ञान के लिए 22 नवंबर को, इलेक्ट्रीशियन के लिए 22 नवंबर को, अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए 23 नवंबर को और कैनिस्ट अनुदेशक फीटर के लिए 23 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन सभी का रिजल्ट 23 मार्च 2025 को जारी किया जाएगा। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान पशु परिषद की एग्जाम के लिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट 3 अप्रैल 2024 को जारी किया जाएगा। कैनिस्ट अनुदेशक के बाकी थ्रेड का एग्जाम 5 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसका रिजल्ट 10 मई 2025 को जारी होगा। लिपिक ग्रेड सेकंड या कैनिस्ट सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। इसका रिजल्ट 10 मार्च 2025 को जारी होगा। जेल फेरी भर्ती के लिए परीक्षा 9 अप्रैल 11 अप्रैल 12 अप्रैल 2025 को ऑफलाइन में आयोजित की जाएगी। रिजल्ट 12 दिसंबर 2025 को जारी होएगा। इसी के अंदर दोस्तों बताया गया है कि पटवारी भर्ती के लिए परीक्षा 10 मई 11 मई 2025 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और रिजल्ट 11 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। इसी के अंदर दोस्तों बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए परीक्षा 11 जुलाई और 12 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी और इसका रिजल्ट 12 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय के लिए एग्जाम 27 जुलाई 2025 को आयोजित होगा और रिजल्ट 27 अक्टूबर 2025 को जारी होगा। प्लान्टून कमांडर पद के लिए परीक्षा यहाँ पर 11 अगस्त और 12 अगस्त 2025 को एवं रिजल्ट 10 जनवरी 2026 को जारी होगा। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक पद के लिए परीक्षा 2 नवंबर से 4 नवंबर 2025 तक आयोजित होगी और रिजल्ट जो है आपका 4 मार्च 2026 को जारी होगा। अभ्यर्थी सभी भर्तियों की संपूर्ण जानकारी एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट से संबंधित आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया है आपको RSMSSB एग्जाम कैलेंडर के बारे में। तो दोस्तों इसको कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक संपूर्ण जानकारी, दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट थी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की द्वारा एग्जाम कैलेंडर को लेकर, जिसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।